अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद लैला। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का हैंडल आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, लैला अली 155। तो जल्दी से जाकर मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ मैंगो शेक। गर्मियाँ हो और मैंगो ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मैंगो शेक मैं बना रही हूँ विदाउट शुगर, क्योंकि मैं डाइट पे हूँ। और जब मैं आपके साथ जर्नी शेयर करूँगी तो ये सारे ये वाले डेज में ना मैंने किस तरह से खाया पिया था, मैंने सारे आपके साथ ये रूटीन शेयर करूँगी। और बस मेरी जर्नी जो है ना वो वेट लॉस की स्टार्ट हुई हुई है, तो इंशाल्लाह जैसे ही मेरा गोल पूरा हो जाएगा तो मैं आपके साथ वो पूरी जर्नी शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर शेक जो है मैंने विदाउट शुगर बनाया था, मैंने बहुत थोड़ा दूध डाला था, मैंने आइस क्यूब ज़्यादा डाले थे इसमें और मैंगो भी मैंने थोड़ा ही डाला था, क्योंकि मैं दो सर्विंग बना रही थी। इतना बड़ा मग मैं अकेले नहीं पीने वाली, ये टू सर्विंग है। और मेरे हिस्से का जो आया था तो वो मैंने दो दफ़ा करके पिया था, क्योंकि मैं इतना सारा शेक एकदम से नहीं पी सकती। तो बहुत ही मज़े का बना था और मैंगो है तो क्यों नहीं मज़े का बनाएगा, मैं भी क्या कह रही हूँ। मैंगो किसको नहीं पसंद होता, और मेरी तो कमज़ोरी है, अभी मैंगो देख के मेरे मुँह में पानी आ जाता है, चाहे वो सर्दियाँ हों या गर्मियाँ। अच्छा जी, यहाँ पे आप ही ने बनाए थे टिंडे। सुबह सुबह आप ही के फ्रिज में ना टिंडे पड़े थे जब हम आए थे ना उससे पहले के, और आप ने बनाए नहीं क्योंकि उनको ये था कि मेहमान आ गए तो उनका मैं टिंडे बना के खिलाऊं। तो मैंने आज कहा कि आप ही जो टिंडे पड़े हुए ना आप उसको बना लें इससे पहले कि सब्ज़ी ज़ाया हो जाए, रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो आप ना रिस्क जो है ना वो ज़ाया मत करें, आप उसको बना लें, हम लोग खा लेंगे। क्योंकि मैं और आलिया ना खा लेते हैं, ये नहीं कह सकते कि जी हम लोग बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन जब बनते हैं ना घर में हम लोग खा लेते हैं। तो आपने टिंडे बना लिए थे, उसके साथ सबने नाश्ता कर लिया था, मैंने थोड़ा बहुत ही खाए थे क्योंकि मैंने सुबह शेक पी लिया था नाश्ते में। और बाकी आप घर का हाल देखने, और हम लोगों ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने रूम जो है वो सेट कर लिया है, वरना इस रूम का इतना बुरा हशियत है ना। और बैनिंग को आप देखें किस तरह से वो बनी हुई थी, वो लगी हुई थी खूब सफाइयाँ करने। आप ही बार बार उसको मना कर रही थी कि नहीं करो, मतलब कपड़े गंदे कर रहे हो, मतलब ये इनका ये तरीका था, एक पहना है उसको गंदा किया है खेल कूद के और दूसरा फिर पहन लिया। लेकिन इस आप यहाँ पे ना जो बहनी ना वो काम कर रही थी बाकी सीरियसर वाला, उसने अच्छा खासा मिरर सारा साफ़ कर दिया, तो साथ में उसने वो खिड़की सारी साफ़ कर दी थी। जो आप वो खिड़की देख रहे हैं ना, इसको हम लोग अभी कर्टन लगाने वाला है, क्योंकि आप इन्हें उतार के रखे हुए हैं और कुछ वैसे भी फर्नीचर का कलर चेंज हो गया, तो आप ये कर्टन जाहिर सी बात है वो चेंज कर लेंगे अभी, तो इसलिए नहीं लगा रही थी। और जी उसके बाद आ गए थे दही बड़े, और इतना काम शाम करने के साथ साथ भी आप ही ने ना बिरयानी बना ली थी। आलिया के कहने पे आलिया को बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, तो आलिया ने बिरयानी बना ली थी और साथ में दही बड़े मंगवा लिए थे। दही बड़े मैं और रमीन बहुत शौक से, बल्कि हम सभी आप, मैं आपको हर ब्लॉग में बताती हूँ, आप ही मैं रमीन दही बड़े बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने आप ही से कहा था, फिर दही बड़े आप ही ने कहा कि चलो मंगवा लेते हैं साथ में, अगर किसी को नहीं खानी मुझ जैसे इंसान को डाइट में बिरयानी। और आपने बहनी की यहाँ पे आपने व्लॉगिंग देखी है, इसके हाथ से मोबाइल नहीं निकलता, उसको व्लॉग बनाने का इतना शौक है, मुझे डेली कहती है डोडो मेरा अपना एक चैनल बना दे, मैं अपने व्लॉग अपलोड करना चाहती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि उन लोगों को मैं चैनल बना दूँ, क्योंकि यहाँ पे वो मुझे बहुत तंग करती हैं कि अपने चैनल में मतलब वहाँ से वीडियो बना बना के सेंड करी होती है, और अगर मैं यहाँ पर ऐड नहीं करती तो फिर उनका दिल टूट जाता है। तो फिर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं वाकई उनको ना एक चैनल बना के दे देती हूँ, बल्कि उनका चैनल बना लेती हूँ। अब देखें उनकी मामा उनको साथ में सपोर्ट करती हैं कि मैं फिर करूँगी, क्योंकि वो बच्चे ऐसे हैं कि मतलब मैं हैरान हूँ कि मुझे व्लॉगिंग नहीं करनी आती है, लाइव वो लगे होते हैं भाई बस चल सो चल। और मैं अभी भी मैंने ये जो सारे व्लॉग्स वगैरह बनाए ना, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था और मैंने आप ही के मोबाइल पे ही सारे रिकॉर्ड किए थे, तो अभी भी ये मोस्टली मैंने यहाँ से पार्ट जो है ना मैंने ऐड ही नहीं किए इन लोगों के। इन्होंने इतना ज़्यादा मतलब बनाया था, जैसे डोडो व्लॉग बना रही है तो हम लोग जो है ना फटाफट साथ में अपने क्लिप्स बना लेते हैं, डोडो ऐड कर देंगी, बहुत ज़्यादा क्लिप्स बनाते रहे। अच्छा साथ में मैंने कटलेट्स फ्राई कर लिए थे और आप ही ने बिरयानी को दम लगाया हुआ था, तो अब बिरयानी रेडी हो गई और हम खाएंगे। बिरयानी वाकई बहुत मज़े की बनी थी और आप ही की हिम्मत है, क्योंकि जब बिरयानी हम लोगों ने ऊपर चढ़ाई थी ना तो साथ ही गैस इतना स्लो हो गया था ना, आ ही नहीं रही थी, बिल्कुल ना होने के बराबर थी, और उसी गैस पर हमें 4 घंटे लगे बिरयानी बनाने में, और हम लोग इतना थके हुए थे ना साथ में बिरयानी का, और हमें गुस्सा आ रहा था कि गैस को क्या मौत पड़ी भाई उसको जाने की। लेकिन खैर ये कि खाना हमारा बन गया था। और जी जो मैंने बहनी का सूट सिलाई करी थी वो सूट भी सिलाई हो गया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और बहनी का मैं आपको कारनामा बताती हूँ, ये सूट इसने पहना था नेक्स्ट डे, और इसने पहन के आधे घंटे के बाद ना
ना इसने पता नहीं कहाँ छलांग लगाई है और सारी की सारी जो इसका पजामा था ना वो सारे का सारा फट गया। और ऊपर से मान भी नहीं रही थी कि मैंने फाड़ा है, कहती है कि नहीं ये आप लोगों ने स्टिच ही नहीं किया, ये सिलाई में नहीं आया। मतलब बच्चे इतने चलाक होते हैं, सारा का सारा मुद्दा मुझ पर ही डाल रही थी। अच्छा जी, इस तरह से ना मैं इसकी छोटी सी मैंने फ्रॉक सिलाई कर दी थी, और बहनी वैसे भी स्लिम स्मार्ट सी है तो मैंने फिर ना थोड़ी सी वैसे लूज सिलाई की थी, लेकिन लूज सिलाई करने के बावजूद इसने देखे क्या हाल किए। अच्छा यहाँ पे जी आप देखिए मैंने सिलाई की है फ्रॉक और इस तरह से इसका गला बना दिया मैंने, जो इसके ट्राउज़र में से कपड़ा ले गया था ना, ये जो आप बेल देख रहे हैं ना यही वाला निकाल के इसके गले पे भी लगा दिया और इसके बाजू पे, बाजू भी आगे से मैंने थोड़े से चुनट्स वाले बनाए हैं, पीछे से भी मैंने एक दो चुनट्स डाल दी थी और जो पेटी पे भी सारी चुनट्स डाल दी हैं। तो ये बहनी का बन गया था ड्रेस। आप ही के मैंने एक सिलाई किया था, वो तो सिंपल सिलाई किया था इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं, आपने देखा भी होगा टाइम टाइम में जो हम लोग बाजार से लेके आए थे, अभी आपने इस व्लॉग में पहना भी हुआ है जो वो बिरयानी को मिक्स करनी थी। तो ये जी अब रात का टाइम है, रात को भाई आते हुए ना केक लेके आए थे, ये केक जो मैं आपको बता दूँ 3 मिल का केक है, केक एंड बेक्स का इतना मज़े का केक है। अच्छा मैं इसकी रेसिपी ना काफ़ी टाइम से देख रही थी चैनल्स पे 3 मिल केक की, मैंने अच्छा अभी तक ट्राई नहीं किया था, मैंने बनाया भी नहीं था और वैसे भी मैंने कहीं से ट्राई नहीं किया था, तो लेकिन ये मैंने केक एंड बेक्स का ट्राई किया, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का केक बना हुआ था। और अब ये मैं घर पे भी बनाकर ट्राई करूँगी, मैं केक जो है ना वो बेक करती रही हूँ। मेरे दूसरे चैनल पे लैलास किचन में भी केक की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, क्रीम वाले केक, चॉकलेट केक और पाइन एप्पल केक और बहुत सारी पेस्ट्रीज़ की भी रेसिपीज़ हैं। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ चैनल तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं जाके। और ये वाले केक की भी रेसिपी ना इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत टेस्टी लगा। अच्छा देखने में ही मुझे बहुत टेस्टी लग रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इसकी रेसिपी देख रही हूँ लेकिन बस मैं किसी तरह से बना नहीं पाई हूँ, लेकिन अब जो है ना अब मैं वाकई इसको बनाऊंगी और देखूंगी घर पे ये किस तरह से बनता है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सी इसकी रेसिपी है, ना इसकी लेयरिंग की ना इसके ऊपर डेकोरेशन की कोई इतना खास आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती। सो जी अब यहाँ पे हम लोग निकाल रहे थे सारा सामान जो कि भाई लेके आए थे और इनको इसको रख देंगे हम फ्रीज़र में। और अच्छा ये ना अनहार का दूध यहाँ पे मैंने देखा है कि हम लोग वैसे तो हम लोग मतलब ऑर्पर्स वगैरह तो ट्राई करते रहते हैं, ये वाला दूध है ना मैंने एक दफ़ा पहले भी ट्राई किया था और आज भी मैंने भाई लेके आए थे तो मैंने ट्राई किया था। इसका दूध का जायका ना बिल्कुल ऐसे होता है जैसे घर का दूध होता है ना, नॉर्मल खुला दूध हम लोग लेके यूज़ करते हैं उस तरह का है, मतलब इस तरह का वो पाउडर वाला दूध नहीं है जिस तरह का हम ऑर्पर्स वगैरह लेते हैं ना, तो वो बड़ा थिक सा और उसमें से मतलब टेस्ट ही और आ रहा होता है, तो ये वाला जो दूध है ना इसका थोड़ा सा ना टेस्ट चेंज था। तो खैर अब यहाँ पे हम लोग केक कट करके हम लोग खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। आपको बस मैं यहाँ पे दिखा ही सकती हूँ, खिला नहीं सकती हूँ, लेकिन आप वीडियो देख के इन्जॉय कर लें। अच्छा जी ये व्लॉग का यहीं पेंड करेंगे, ये था आज का मेरा व्लॉग, ये थी आज की मेरी वीडियो, आई होप सो कि आपने इन्जॉय की होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो ये व्लॉग अच्छा लगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।